नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और शनिवार है यानी आपको कहानी सुनाने का वादा है, और आज फिर से आपके सामने कहानी लेकर मौजूद हूँ। कहानी आज फिर से एक अलादा सी है। अगले हफ्ते 17 मई है। 17 मई को एक बेहद अजीम शख्सियत इस दुनिया से विदा हुई थी, उन्हीं की कहानी है। और 11 मई निकल चुकी, 11 मई 1973 को जंजीर रिलीज हुई थी, और 17 मई 2009 को जंजीर बनाने वाला जो डायरेक्टर था वो इस दुनिया से कूच कर गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस बार प्रकाश मेहरा साहब की, और उन्हीं की आपको कहानी सुनाऊंगा। और इस बार की कहानी को मैंने नाम दिया है सुपरस्टार का प्रकाश। प्रकाश मेहरा यूपी बिजनौर के रहने वाले थे, वहीं पैदा हुए थे। 13 जुलाई 1939 को, 1939, मोहल्ला था उनका जहाँ पैदा हुए थे, उसे कहा था मोहल्ला खत्रियान, तो वहाँ वो पैदा होते हैं। और बचपन से ही उन्हें कुछ कभी वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जैसी कोई चीज़ नहीं करना चाहते थे। उनकी तमन्ना थी लिखने की। एक दोस्त ने उन्हें बिस्मिल का सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में ये सुना दिया, और उन्होंने भी ठान लिया कि यार अब तो इसी तरह का जोशीले गीत ही लिखने हैं, अब कुछ करना है, अब कुछ कर गुजरना है। 10th में थे तब उस समय, और ये तमन्ना लिए हुए सरफरोशी की तमन्ना दिल में लिए हुए निकल पड़ते हैं मुंबई के लिए, तब के बॉम्बे के लिए। ठीक है साहब, बिजनौर से निकलते हैं लखनऊ। लखनऊ में जैसे ही आते हैं, उनका क्रांतिकारी था, घर में पता लग गया था भाग गया है, तो जैसे ही लखनऊ प्लेटफॉर्म पे कदम रखते हैं वैसे ही पकड़ लिए जाते हैं। पकड़ता कौन है? फूफा जी। फूफा जी लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करी हैं दुनिया में। फूफा जी ने पकड़ लिया, घर लेके गए, खून डांट फटकार हुई, लेकिन लड़का मानने कहाँ वाला था। थोड़े दिन रुका, उसके बाद अंततः वो मुंबई वो लड़का पहुँच भी जाता है। कि कज़न ब्रदर हैं राजेश खन्ना, राजेश खन्ना, उन्होंने बताया कि जब भाई गए थे भाई में बिजनौर के एक कल्लू भाई थे, जहाँ वो नाई का काम करने लगे थे प्रकाश मेहरा, और यहीं पर नाई का काम करते करते उनकी कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मुलाकात हुई, और उन्होंने सजेस्ट किया कि यार जब शौक है तो कुछ लिखो, पढ़ लिखो, लिखाओ, बताओ। सिलसिला चल पड़ा, और यही सिलसिला उनको बनाता है एक अजीम प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रकाश मेहरा साहब ने, जो फिल्में डायरेक्ट की हैं मैं समाधि, जंजीर, लावारिस, खून पसीना, मुकंदर का सिकंदर, शराबी। सी अमिताभ को लेकर ढेर सारी फिल्में बनाते हैं, हेरा फेरी बनाते हैं, और सारी कमोवेश हिट ही हैं। वो जंजीर है तो जंजीर इसलिए ज़बरदस्त है, उन जंजीर से प्रकाश मेहरा साहब खुद स्थापित होते हैं एज अ डायरेक्टर, और अमिताभ बच्चन को मिलता है स्टारडम। प्रकाश मेहरा साहब गजब के डायरेक्टर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनकी जिंदगी में किसी की हुई, सभी की हुई, लेकिन जंजीर, क्योंकि एक तरह से वो अमिताभ की लॉन्चिंग थी। अमिताभ बच्चन 9 फिल्में कर चुके थे उसके पहले 4 साल में, लेकिन उनके खाते में हिट नहीं आई थी, वो स्टार नहीं बने थे, चर्चाओं में नहीं आए थे, खारिज हो रहे थे, और इस फिल्म में उनको वो दर्जा दे दिया। बड़ी बात यह है कि जंजीर में प्रकाश मेहरा की पहली चॉइस अमिताभ बच्चन नहीं थे, उनकी लिस्ट में 3 नाम थे, धर्मेंद्र, देवानंद और राजकुमार, वो इस फिल्म में लेना चाहते थे, और तीनों फिल्म में नहीं आए। धर्मेंद्र साहब के पास सबसे पहले पहुंचे वो, और धर्मेंद्र को कहानी पसंद आती है। पहले बात कहानी की भी कर बता देता हूँ आपकी छोटी सी, कि ये कहानी जो थी जंजीर की, ये प्रकाश मेहरा की नहीं थी, प्रकाश मेहरा सिर्फ डायरेक्टर थे। ये कहानी थी सलीम जावेद साहब की, और सलीम जावेद से उन्होंने कहानी खरीद ली थी। कहानी लेकर पहुंचते हैं धर्मेंद्र के पास, धर्मेंद्र को कहानी पसंद आती है, और धर्मेंद्र कहते हैं कि यार प्रकाश मैं इस फिल्म को करने के लिए तैयार हूँ,
बल्कि मैं प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ और मुमताज के साथ करूँगा। धर्मेंद्र ने एक शर्त भी रख दी, बोले एक और फिल्म की बात चल रही थी, बोले तुम वाली फिल्म जिसकी बात चल रही थी वो तुम मेरे जो गॉडफादर हैं फिल्म इंडस्ट्री में अर्जुन हिंगोरानी उनको दे दे, वो तुम्हें इसमें मदद कर देंगे। किसमें? जंजीर में। बहुत दिनों तक बात अटकी रही, मदद हो पा रही है नहीं हो पा रही है, फिल्म अटकी हुई है, फिल्म आगे बढ़ नहीं पा रही है। और एक दिन प्रकाश मेहरा ने धर्मेंद्र साहब के पास गए और उन्हें समझाया कि फिल्म संभल नहीं रही, बेहतर है कि आप इससे अलग ही हो जाएं, मतलब ना वो बढ़ पा रही है, मैं किसी मदद कर नहीं पा रहा हूँ, मैं जंजीर छोड़ूंगा नहीं। धर्मेंद्र ने बात को समझा और धर्मेंद्र फिल्म से अलग हो गए। अब प्रकाश आते हैं देवानंद साहब के पास, देवानंद को भी कहानी पसंद आ जाती है, लेकिन देवानंद उस समय तक रोमांटिक फिल्मों के स्टार थे। उन्होंने कहा यार तीन चार गाने डालो, फिल्म बड़ी ड्राई सी हो रही है और गाने डाल रहे। प्रकाश इसके लिए बहुत राजी नहीं थे। फिर उन्होंने एक और प्रपोजल रखा, बोले प्रकाश ऐसा हो सकता है क्या कि ये फिल्म मेरा बैनर बनाए, नवकेतन फिल्म से फिल्म बनाए और तुम डायरेक्ट कर लो और बता दो कितने पैसे लोगे। प्रकाश इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं है, बोले पैसा नहीं हो पाएगा। देवानंद साहब से भी मना हुआ। राजकुमार साहब के पास गए, राजकुमार उस समय चेन्नई यानी कि तब का मद्रास में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। तो चानी ने कहा कि फिल्म तुम्हारी अच्छी है यार और इस स्टोरी मुझे पसंद है, मैं कल से ही काम शुरू कर सकता हूँ, बस एक चीज़ है, छोटी सी शर्त कि फिल्म मद्रास में ही कर लो, मैं जो फिल्म कर रहा हूँ उसको भी शूट कर लूँगा। प्रकाश भी गवारा नहीं हुआ कि वो फिल्म में जो प्लॉट था वो मुंबई का ही था और मुंबई को उस प्लॉट को बदलना नहीं चाहते थे, लिहाजा तीन बड़े स्टार्स ने मना कर दिया। प्रकाश तनाव में थे। तभी प्राण साहब से मुलाकात होती है, साहब फिल्म में आ चुके थे और प्राण साहब सजेस्ट करते हैं कि यार बॉम्बे टू गोवा में मैंने उस एक लड़के का काम देखा है, अमिताभ नाम है उसका, और मुझे लगता है कि वो अवश्य का स्टार है, कमाल का लड़का है वो, इसका परफॉर्मेंस गजब का है, उसको तो फिल्म में ले सकते। और फिर प्रकाश मेहरा ने खुद इस बात को एक्लेम किया कि अमिताभ के आंखों के एक्सप्रेशंस देखकर, आंखों के इमोशंस देखकर मैंने उन्हें अपनी फिल्म में चांस दिया। कहानी अभी बाकी, दिक्कतें अभी भी कम नहीं हुई थी। 1973 में रिलीज हुई थी जंजीर, और जंजीर के पहले अमिताभ की मुमताज के साथ फिल्म आई थी बंधे हाथ। बंधे हाथ फ्लॉप रही थी, अमिताभ फ्लॉप ही चल रहे थे। जंजीर भी पहले मुमताज के साथ ही आने वाली थी और लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि यार ये लंबा सा हीरो मुमताज के साथ फ्लॉप ही रहेगा। मुमताज के साथ काका सुपरहिट चल रहे थे, लोगों ने भविष्यवाणी कर दी थी। एक घटना और घट गई, घटना कहें दुर्घटना कह लें आप, मुमताज ने शादी कर ली और फिल्म छोड़ दी। अमिताभ परेशान, तनाव में, डिप्रेशन है कि कोई हीरोइन काम नहीं करना चाह रही। उस समय जया भादुड़ी प्रकाश मेहरा की फिल्म कर रही थी, अमिताभ और जया की मुलाकात हुई थी, शादी नहीं हुई, और अमिताभ ने जया से कहा था कि कोई हीरोइन मेरे साथ फिल्म नहीं करना चाहती, हाँ नहीं कहा। तो जया भादुड़ी ने कहा हाँ, ये अपने डायरेक्टर साहब से कहिए, प्रकाश जी से कहिए मुझे अप्रोच करें और फिर अपन देखते हैं। प्रकाश मेहरा ने अप्रोच किया, जय भादुड़ी ने हाँ किया, तीन बड़े लोग मिल चुके थे, फिल्म करीब करीब पूरी तैयार हो चुकी थी। हम हीरो है ही, जय भादुड़ी आ गई, प्राण साहब आ गए, फिल्म बनती है और रेस्ट इज हिस्ट्री, बाकी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। अब फिल्म रिलीज हो जाती है 11 मई 1973। फिल्म कलकत्ता में अच्छी चली नहीं, मुंबई में फिल्म को अच्छी ओपनिंग नहीं मिली और इस खराब ओपनिंग के चलते अमिताभ को फीवर आ गया। यार वो अब चंद्रचूड़ उम्मीदें थी लेकिन अमिताभ को फीवर आ गया,
अभी एक दिन पहला हफ्ता गुजरा नहीं हुई, दूसरे हफ्ते की फिर से बुकिंग शुरू हुई थी और प्रकाश वगैरह निकल रहे थे गेटी गैलेक्सी सिनेमा है उसके सामने से, और भारी भीड़ लगी हुई थी, और यहाँ पर जो प्रकाश साहब ने देखा वो कमाल ही हो गया। उन्होंने देखा कि यार लोग झूम रहे हैं और 5 रुपए का टिकट 100 रुपए में बिक रहा है, 5 रुपए का टिकट 100 रुपए। प्रकाश समझ गए कि प्रोग्राम होने वाला है, और ये बात उन्होंने अमिताभ बच्चन को बताई थी कुछ होने वाला है। अमिताभ पहले उन्हें सर कहते थे, बोले सर मत कहा करो, ऐसा लगता है टीचर, तुम्हारा सर नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। तो फिर अमिताभ उन्हें लल्ला कहने लगे प्रकाश जी को। तो जब प्रकाश जी ने ये बात बताई कि 5 का टिकट 100 बिक रहा है, तो उन्होंने कहा लल्ला विश्वास नहीं हो रहा। अमिताभ का टेम्परेचर, अमिताभ का बुखार बढ़ गया, अमिताभ को यकीन नहीं हुआ कि वो स्टार बनने वाले हैं। प्रकाश वहरा ने उन्हें की फिल्म में उन्हें स्टार बना दिया। अब अमिताभ को स्टार मिल चुका था। इसी तरह 1983 में वर्ल्ड टूर पे निकले थे बहुत सारे लोग, प्रकाश मेहरा, अमिताभ बच्चन, बहुत सारे लोग। तो ये लोग अमेरिका से ट्रिनिडाड टोबैगो जा रहे थे, प्लेन ऊपर उड़ रहा है अटलांटिक के ऊपर, तभी लल्ला यानी अमिताभ के लल्ला यानी प्रकाश मेहरा को स्टोरी खोन दी। बोले यार एक फिल्म बनाना चाहता हूँ जिसमें जो हीरो है, जो लड़का है, वो थोड़ा सा शराबी नुमा सा है, और जिसका पिता है वो उसूल पसंद आदमी, और लड़के का अपना दर्शन है और पूरी फिलॉसफी है उसकी, लेकिन वो थोड़ा सा है भाई इस तरह से थोड़ा सा झोंके में रहता है। कहानी पसंद आई, बाद में यही फिल्म बनती है शराबी के नाम से, उसके बारे में बात करने की ज़रूरत। रेखा ऐसा कहती हैं कुछ फिल्मों का रीमेक नहीं बनना चाहिए, उनमें से शराबी है। एक आदमी पूरी फिल्म में शराब नहीं पीता, लेकिन शराब उसके ब्लड में आ चुकी है और वो हमेशा थोड़े दिन झोंके में रहता है, और दार्शनिक है, गजब का इंसान है, वो है शराब। कमाल के थे प्रकाश मेहरा, लिरिसिस्ट भी थे, कई गाने लिखे उन्होंने, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब अली, ये लिखते हैं, मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह, ये भी गाना लिखते हैं, सलाम इश्क मेरी जान ज़रा कबूल कर लो, ये लिखते हैं, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छिपा रखा है, इस तरह के कई गीत, कई गाने उन्होंने कलमबद्ध किए, लिखे। कमाल की शख्सियत, कमाल के याद, अमिताभ को विभाजित का फॉरवर्ड। दोस्तों जो होना होता है वो होके रहता है, ये सच है, होकर ही रहेगा, लेकिन उस होने के पहले आपको किन किन रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर जानता है। अगर आप कदम ही ना बढ़ाएं या आधे रास्ते में ही लौट आए, तकलीफों से घबरा जाएं और बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में आ जाएं, वो सूझे नहीं, पर आप एक फैसला ले लें लौटने का, वो जो आपको सब कुछ देने वाला है वो क्या ही करेगा, क्योंकि आप तो लौट चुके हैं, चलना तो पड़ेगा ही, कोशिश तो आपको करनी ही है, लास्ट मोमेंट है। अंतिम स्थिति यही है कि आपके हाथ में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कर गुजरना ही लिख, तो कर गुजरी, उसमें सोचना क्या, फिर जो भी आए निपट लेंगे, बाकी सब उस पर छोड़ दिए। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी लेकर आपके सामने आऊं, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हों तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद। We'll be right back.